फ्रेंड्स, जैसा कि आज आप थंबनेल में देखे होंगे और ऊपर भी देख रहे होंगे, हाउ टू कैलकुलेट ट्रैपेज़ॉइड प्लॉट एरिया इन स्क्वायर फुट, फीट और इंच में अगर एरिया दिया हुआ है तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें बहुत बार मिस्टेक हो जाता है और बहुत को जानकारी भी नहीं है कि कैसे इसका एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, अगर फुट में रहा तो और इंच में रहा तो। ठीक, तो आप मेरे साथ बने रहे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्मॉल ए है हमारा, वो हो गया आपको लॉन्ग बेस उसको बोलते हैं। ठीक, उसके बाद स्मॉल बी है, ये आपका स्मॉल ए था वो लॉन्ग बेस था, ओके। और स्मॉल बी जो है, स्मॉल बी जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट बेस बोलते हैं। और एच को क्या बोलते हैं, एल टी ट्यूड बोलते हैं जिसको हम, ओके। ये हमारा 90 डिग्री पे होता है, इसको मान लेते हैं हम ई। ठीक, तो फ्रेंड हम ए बराबर हमारा क्या है, लॉन्ग बेस क्या है हमारा 40 फुट और 5 इंच है। ए इक्वल टू हो गया 40 फीट 5 इंच हो गया। तो बहुत सारे लड़का क्या करेंगे यहाँ पे, सीधा वो क्या करेंगे 40.5 कर देंगे, जो कि ये गलत है। ठीक, इसी तरह 25.6 ये भी गलत है। ठीक, हो गया 20.9 ये भी गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको 5.5 इंच है और एक इंच, एक फुट में 12 इंच होता है, तो हमको इसको फुट में चेंज करना है। ठीक, तो फुट में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.416 फुट में होगा, ओके। तो ये हमारा हो गया 40.416 फीट, ओके। इसी तरह हम स्मॉल बी लेंगे जिसको बोलते हैं शॉर्ट, शॉर्ट बी बोलते हैं। ठीक, शॉर्ट बेस बोलते हैं, ओके। तो ये हमारा कितना है, 25 फुट 6 इंच है। ठीक, डबल पाई हो गया तो इंच है। अब इस इंच को फुट में हम चेंज करेंगे, तो फुट में बदलने के लिए 6 बाई 12, एक फुट में 12 इंच होता है, तो 6 इंच बाई 12, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 फुट होगा, ओके। तो अब हमारा ये क्या हो गया, 25.5 पॉइंट के बाद 3 डिजिट ली है, इसीलिए यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट बना लिए हैं। तो ये हमारा बी हो गया, इतना हमारा क्या हो गया, फुट हो गया, ओके। इसी तरह एच, एच जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड हमारा कितना है, 20 फुट बाई 9 इंच है, ओके। तो 9 इंच डिवाइडेड बाय 12 इंच, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.75 फुट हो जाएगा, ओके। तो ये फुट, फुट में चेंज करने के बाद, इंच को फुट में चेंज करने के बाद कितना होगा, 20.7750 फुट हो गया, ओके। तो अब हमारे पास सारा डाटा हो गया अवेलेबल, ए हो गया, बी हो गया और एच, तीनों का वैल्यू हो गया। तो हमारे पास ट्रैपेज़ॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ ट्रैपेज़ॉइड बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी लॉन्ग बेस प्लस शॉर्ट बेस डिवाइडेड बाय 2 गुने एल्टीट्यूड एच, ओके। तो हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास है 40.416 प्लस
शॉर्ट बेस क्या है हमारे पास, शॉर्ट बेस है 25.5, ओके, डिवाइडेड बाय 2, और गुने क्या हो गया, गुने हमारे पास एल्टीट्यूड कितना है 20.750। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तब ए प्लस बी को जब जोड़ेंगे, लॉन्ग बेस और शॉर्ट बेस को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ने पे तो ये हमारा आता है 65.91, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 और गुने 20.750। जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 32.958, और इसको जब हम 27.0 फुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आपको 683.878 फीट स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह फ्रेंड हम प्लॉट का एरिया निकालते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर